जिंदगी के बिसात पे हमारे तो सारे ही मोहरे नाकारा निकले हैं। इश्क करना तुम जैसे बुड्ढों का काम नहीं है। आग लगे तुझे जासूस मुझे। सोच रहे हैं कि अब हम शादी कर लें। बुढ़ापे में क्या आड़ी बनोगे आड़ू? वो देखने में कैसी लगती है? चुड़ैल है, चुड़ैल। एक बुड्ढा चारों खाने चेक। थाने, कचहरी और अस्पताल से अल्लाह बचाए, मगर ये अस्पताल जरा मुख्तलिफ है, जहाँ एक कमरे में दो बेहद दिलचस्प मरीजों ने डेरा डाल रखा है। ये हैं सिकंदर अली, एक हादसे के नतीजे में कमर के मोहरे तुड़वा बैठे हैं, और अब इस अस्पताल के बिस्तर पर पड़े इम्तियाज अहमद के कड़वे कसीले जुमलों का निशाना बनते रहते हैं। और ये हैं इम्तियाज अहमद, हैं तो दिल के मरीज मगर बड़े जिंदा दिल। सिकंदर अली की टूटी कमर को उनकी चिड़ बनाकर उनका जीना हराम किए हुए हैं। अबे ये क्या हर वक्त पड़े एंटर रहता है, उठ के बैठा करो। इधर आओ, हम तुम्हारे दो चार रीढ़ की हड्डी के बोरे तोड़ देते, फिर तुमसे कहते हैं कि जरा उठ के दिखाओ। अबे कोई हम पागल है तुम्हारी तरह जो अपने मोहरे तोड़वा ले? हाँ हाँ, हम तो खुद गए थे लोहार के पास, पीठ खोल के बैठ गए थे, कहा भाई जरा हमारे दो चार मोहरे तोड़ दे रीढ़ की हड्डी के। उसने हथौड़ी उठाई और मजे ले लेके एक एक मोहरा तोड़ दिया। तो फिर यकीनन तुम्हारे किसी हम खसलत ने तुम्हें दौलती मारी होगी और तुम्हारे मोहरे टूट गए होंगे। बके जाओ, बेतुकी बकवास। अबे तो और क्या करें, तुम सही बात बताते नहीं हो कि हुआ क्या था। अरे क्यों बताएं, तुम कभी तमीज़ को बात सुनते हो? हर वक्त उल्टी सीधी हाँकते रहते हो। चलो अब हम तमीज से बात करेंगे। बता दो मुन्ना, कौ हुआ तो भाई? ये जो लोग तजीनो आराइश के लिए जगह जगह केले के छिलके रख देते हैं ना, हाँ हाँ, बस वही नहीं देख सके, बेअदबी हो गई तो सजावट की इस चीज पे पैर आ गया, फिसल गए, धड़ाम से गिरे और सर जमीन पे और कमर फुटपाथ के किनारे पे लगी। हाय 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 हाय, मैं क्यों नहीं था वहां? क्यों, तुम होते तो गिरने से बचा लेते हम ना। मैं तुम्हें गिरता हुआ देखता, धड़ाम, कैसी आवाज निकलती है, एक बुड्ढा चारों खाने चित पड़ा हुआ है सड़क पे। हाय 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 हाय, अबे खुदा गारत करे तुम्हें, तुम्हें अपने कमरे में शिफ्ट करा के गलती कर दी मैंने, अच्छे भले सुकून से रह रहे थे। अबे तो क्यों शिफ्ट करवाया था, हम भी अपने कमरे में अकेले बिल्कुल सुकून से थे। और एक बात सुन, वैसे भी मुझे बुड्ढों से नफरत है, नफरत, थू बे से बुड्ढा। अबे ओ मीम से मनहूस बुड्ढे, अबे गर्दन तक कमर में लटका हुआ तू तो, मनहूस बुड्ढा जवान बना फिरता है। तौबा तौबा, ये तो देखने वाले बताएंगे कि कौन बुड्ढा है और कौन जवान। ये देख कैसे चलता हूँ, मेरी चाल देखो, ये जॉगिंग, 1 2 3 4 5 6, ये जवान खड़ा हुआ है और दूसरा अल्लाह माफ करे बिस्तर पे लेटा हुआ मनहूस बुड्ढा। तौबा 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 तौबा। अब्बा ये तुम नहीं बोल रहे हो,
ये तुम्हारी रीढ़ की हड्डी के मोहरे बोल रहे हैं जो अभी तक सलामत हैं, वरना उम्र में तो तुम मुझसे दो चार साल बड़े ही हो गए। बहलाते रहो अपना दिल, बहलाते रहो बेटा। सच बात तो ये है कि तुम एक बुड्ढे हो करीब उल मर्ग और मैं ठहरा एक जवान। देखो फिट जवान। अब तो फिर अस्पताल में क्या कर रहे हो है? कभी दिल पकड़ के करते हो हाय हाय, और कभी सांस रुकती है तुम्हारी है? फिट जवान। अब जा मन होश बुड्ढे। मोरों के साथ साथ बेचारे का दिमाग भी सनक गया। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम सलाम। अब कैसी तबीयत है आपकी? अरे इसकी मौजूदगी में कैसी हो सकती है? डॉक्टर साहब, मेरी रीढ़ की हड्डी जल्दी से ठीक कर दें, मुझे एक बड़ा ज़रूरी काम है। क्या ज़रूरी काम है? इसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ दी मुझे। ऐसा क्या काम कर दिया इन्होंने? आपने खुद ही तो इन्हें अपने कमरे में शिफ्ट करवाया था। अरे डॉक्टर भाई ने तो कहा था किसी भले आदमी को भेज दो। अरे सिकंदर साहब, इस हॉस्पिटल में सबसे भले आदमी मुझे यही नज़र आए, इसलिए इन्हें यहाँ भेज दिया। अच्छा, बस तो फिर डॉक्टर एक तीसरा बेड अपने लिए भी डलवा लो यहाँ पे। भलाई का तो ज़माना नहीं है डॉक्टर, अभी देखना इसके दो तीन मोहरे हम और तोड़ेंगे। बेटा ताड़ में हूँ, जैसे ही मौका मिलेगा तोड़ दूंगा। अबे हाथ लगा के दिखा हमारे मोहरों को। हाथ नहीं, लात लगाएंगे, लातों से तोड़ेंगे तुम्हारे मोहरे। बेगैरत मोहरे जो है वो हाथों से नहीं टूटते। अरे हम तुम्हारी लात ही मरोड़ देंगे, लंगड़े होके फिरोगे देख लेना जमाने में। बेटा लात तोड़ने के लिए कमर में ताकत होनी चाहिए, वो तुम्हारे कमर में है नहीं। छी। अरे सुन रहा हूँ डॉक्टर इसकी बकवास। वैसे एक बात है, इनके आने के बाद आपकी तबीयत बहुत बेहतर हुई है, आपकी मायूसी भाग चुकी है और जीने की एक उमंग जाग गई है। ये तो तुमने ठीक कहा डॉक्टर, इससे बदला लेने के लिए मेरे दिल में जल्दी से ठीक होने की उमंग पैदा हो रही है। लगता है तुम्हारी उमंग की कमर सलामत है, इसीलिए मचल रही है। देखा देखा डॉक्टर किस तरह खून खौलाता है ये मेरा। वैसे सिकंदर साहब, खून का गर्म रहना भी सेहत की अलामत है, आप खुश रहा करें, बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे आप। और इम्तियाज साहब, आप तो पहले ही माशाल्लाह बड़े खुश हैं। हाँ, हमारे मोहरे सलामत हैं। मेरी शिकायत करता है डॉक्टर से, इधर देख हथौड़ी से तेरे मोहरे तोड़ूंगा, हथौड़ी से। वैसे एक बात है, कमर टूटी भी ना हो तो खाने का कितना मजा आता है। खाए जाओ इतरा इतरा के, जलाए जाओ हमें, अल्लाह करे फंदा लगे तुम्हें। बेटा हम इतरा नहीं रहे सिर्फ। अबे तो हमें दिखा दिखा के क्यों खा रहे हो? उधर मुंह करके खाओ, हमारी तरफ मत देखो। तो अब तुम्हें हमारे देखने पर भी एतराज हो गया? तुम क्या चाहते हो, तुम्हारी वजह से हम अपनी आंखें फोड़ लें, अंधे हो जाएं? आमीन सुम्मा आमीन। तुम क्यों जल रहे हो? हम तो नहीं जलते। जब वो मैं जब ही तुम्हें निवाले बना बना के अपने हाथों से खिलाती हूँ। हाँ बहुत खूबसूरत है ना जो तुम जलोगे, अब वो सिर्फ नाम की मायजबी है। हाय कितना मजा आता होगा ना, चित लेटे हुए हैं और वो हसीना अपने हाथों से निवाले बना बना के तुम्हारे मुंह में ठूस रही होती है। ठूस नहीं रही है, रख रही है। सारे तखय्युल का सत्यानाश कर दिया। अरे तखय्युल की क्या जरूरत है, अब वो हसीना आएगी ना तो तुम्हारी तरफ भेज देंगे। हमें तुम्हारी हसीना की जरूरत नहीं है, हम अपनी हसीना खुद ले आएंगे। और एक बात याद रखना, वैसे भी वो कमर टूटो की नर्स है। अब खुद को खुदकुशी से बाज रखने के लिए तुम्हें अपने कमरे में चिप कराया था, उल्टा तुम मुझे खुदकुशी करने पर मजबूर कर रहे हो। जिंदगी भर के लिए माजूर नहीं हो गए हो जो खुदकुशी करोगे?
कुछ दिनों में ठीक हो जाओगे, घर जाओगे और अपने बेटों की छाती पे मूंग दलोगे। हाँ, अरे सच पूछो तो जिंदगी से मायूसी की असल वजह ये माजूरी नहीं है बल्कि दोनों बेटों और बहुओं का रवैया है। अस्पताल में जमा करा के ऐसे भूल गए जैसे कभी कोई रिश्ता था ही नहीं। तो और क्या करता तुम जैसे खड़ूस बाप के साथ? अबे अगर मैं तुम्हारे बेटों की जगह होता ना तो तुम्हारे साथ यही सलूक करता। नाक में दम कर रखा होगा तुमने अपनी औलादों का। अबे नाक में दम तो तुमने कर रखा है हमारे। अबे जख्मों पे मरहम नहीं रख सकते तो नमक भी मत छिड़को बुड्ढे। ये ख्यालों में किसको सोच सोच के मुस्कुरा रहे हो टुटल बुड्ढे? क्यों तुम्हें क्यों बताएं? बता दो, हो सकता है हम तुम्हारे किसी काम आ जाएं। अबे तुम सिर्फ हादसे में काम आ सकते हो और किसी काम नहीं आ सकते। वैसे बुरा मत मानना, सच्चाई बड़ी कड़वी होती है। इस उम्र में तो सिर्फ मलकुल मौत और मुनकिर नकीरी ख्यालों में आ सकते हैं, माफ करना। मलकुल मौत जब 24 घंटे आंखों के सामने दंदनाता फिर रहा हो तो उसे ख्यालों में सोचने की क्या जरूरत है? तो फिर यकीनन तुम्हारे ख्यालात में कोई कमीनापन होगा जो तुम्हारे चेहरे से टपक रहा है। अबे खबरदार, जो मुझे कमीना कहा तो लखनऊ के नवाब खानदान से ताल्लुक है मेरा। अबे कमीनापन तो तुम जैसे फुटपाथियों के चेहरों से टपकता है। जबान को लगाम दो, तुम हमें फुटपाथिया कह रहे हो? तुम्हें शायद पता नहीं है कि हमारा ताल्लुक और हमारा शजरा मुगलिया खानदान से मिलता है। बाद अब्बा मुलाजा होशियार। हाँ, हरकतें भी मिलती हैं। क्या मतलब? ये बताओ कि ये तुम रोजाना तैयार होके पार्क में क्या करने जाते हो? पार्क में हम चहल कदमी करने जाते हैं। डॉक्टर ने हमें चहल कदमी का मशवरा दिया है, समझे? चहल कदमी के बहाने वहां जाके आंख बटक्का करते हो तुम। हम जानते हैं तुम जैसे ठरकी और रंगीन बुड्ढों को। अबे चुप, रंगीन और ठरकी बुड्ढे तो तुम खुद हो, समझे? जो अपने ख्यालात के अंदर किसी हसीना को रख के मुस्कुराते रहते हो। हम ख्यालों में मुस्कुराएं या रोएं, तुम्हें क्या तकलीफ? तकलीफ तो हमें कुछ नहीं है, मगर अगर तुम हमें बता दो हो सकता है हम तुम्हारी मुलाकात उस हसीना से करवा दें। किस हसीना से? वही जिसको सोच सोच के तुम ख्यालों में मुस्कुराते रहते हो। हमारे बहाने से खुद मिलने के चक्कर में है बदनीयत बुड्ढा। हमें किसी ऐसी हसीना की जरूरत नहीं है जो तुम जैसे बदनीयत बुड्ढे के ख्यालों में आती हो। अबे हम पार्क में रोज जाते हैं, वहां पर एक से एक हसीनाएं आती हैं,
जिया गाए तररम गोरी नच छम 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 ताना दिरे न तदिर मनहूस बुढ़ा। जिया गाए तररम जिया गाए हंसे जाओ जला जाओ हमें। ये तुम्हें हर वक्त आग क्यों लगी रहती है? लोहार की भट्टी में पैदा हुए थे क्या जल कुकड़े? अब्बा ये जो तुम हर वक्त दांत निकालते रहते हो ना, अल्लाह करे तुम्हारे सारा दांत टूट जाए। अरे दांत बुड्ढों के टूटते हैं जैसे तुम्हारे दांत टूटे हुए हैं। जब ही तो तुमको पतला पतला खाना खिलाया जा रहा है, क्यों सिस्टर? अल्लाह करे फारिज गिरे तुम पे इम्तियाज अहमद, तुम्हें भी ये पतला पतला खाना पड़े। अरे अरे क्यों बदवाएं दे रहे हैं इन्हें, इतना तो ख्याल रखते हैं ये आपका। ख्याल तो तुम भी रखती हो इसका, मगर ये एहसान फरामोश बुड्ढा फिर भी मुंह बनाता रहता है। देखो कितने प्यार से तुम इसको खाना खिला रही हो और ये मनुष्य बुड्ढा मुंह बना रहा है। अरे काश कोई हमें भी प्यार से ऐसे खिलाता। सिस्टर जरा जाओ ये सब कुछ इसके मुंह में ठूंस दो और ऊपर से कपड़ा बांध देना। हाय हाय कितना काबिले रहम होगा वो बुड्ढा जिसके दांत भी टूटे हुए हैं और कमर भी। हाय 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 किसी दिन काट खाएंगे तुम्हें, फिर तुम्हें पता चलेगा कि हमारे दांत टूटे हैं या नहीं। क्यों सिस्टर? आप लोग मुझे सिस्टर ना कहा करें, इतना अरसा हो गया आप लोग की खिदमत करते हुए, आप लोग मेरा नाम लिया कीजिए। क्या नाम है तुम्हारा? क्या आप लोगों को अब तक मेरा नाम मालूम नहीं हुआ? मेरा नाम महाजवीन है। अरे मालूम तो हमें है, मगर हमने सोचा हो सकता है कि किसी बुड्ढे के कहने पे तुमने अपना नाम बदल लिया हो। क्या सोच रहे हो सिकंदर अली, क्या अपने टूटे हुए मोहरों का शोक मना रहे हो? अरे किस किस का शोक मनाएंगे इम्तियाज अहमद, जिंदगी के बिसात पे हमारे तो सारे ही मोहरे नाकारा निकले। अबे नाकारा मोहरों को भूल जाओ, नई चाल चलो, नई जिंदगी के बिसात खुली हुई है। जब मोहरे ही नाकारा हूं तो चाल कैसे चले, माजी खत्म हो गई इम्तियाज अहमद, मात हो गई हमें शहमात। मात और मौत दोनों एक ही कैफियत के दो नाम है, जिसने मात तस्लीम कर ली समझ लो उसने मौत तस्लीम कर ली। किसके सहारे लड़े है? कौन है हमारा? जिंदगी की बाजी किसी के सहारे नहीं खेली जाती, ये अपने हौसले और उमंगों से जीती जाती है। लेकिन जब जिंदगी खुद ही ठोकरों पर रख ले तो आंखें बेख्तियार उन्हीं हाथों को तलाश करती है जिन्हें उंगली पकड़ के चलना सिखाया था। वैसे अल्लाह माफ करे बहुत ही बनिए किस्म का बुड्ढा है, जिसको जो दोगे सूद के साथ वापस लेने की कोशिश करोगे। तुम्हारी कोई औलाद नहीं है ना? अरे तुम क्या समझोगे औलाद का दुख? अबे हम ही तो जानते हैं तुम्हारी औलाद का दुख, उनके दुख को भी समझो, पड़े रहने दो उनको चैन से। तुम यहां पड़े हो पड़े रहो,
मुफ्त की रोटी मिल रही है, ना काम के ना काज के, दुश्मन अनाज के। अरे हम तो यहाँ पड़े हैं माजूरी में अपनी मजबूरी की वजह से, और तुम अच्छे वाले सेहतमंद हो फिर भी पड़े हो यहाँ मुफ्त की रोटियां तोड़ने के लिए इस खैराती अस्पताल में, हैं मुफ्त खोर बुड्ढे। तब गया बुड्ढा तब गया, सिकंदर अली इम्तियाज अहमद मेरा नाम है, मैंने बर्कले यूनिवर्सिटी कैलिफोर्निया से तपाने की डिग्री ली है, तपाने की। मेरे मोहरे ठीक होने दे इम्तियाज अहमद, तेरी उस डिग्री को यहीं इस कमरे में जलाऊंगा तेरे सामने। ये जरा घंटी बजा के महाजबीन को बुलाना। क्या काम है? अरे अब तुम्हें काम भी बताए, तुम हमारे अब्बा हो या महाजबीन के अब्बा हो? ना बताओ, हम भी नहीं बजाएंगे घंटी। और वैसे भी है ना, घंटी जो है हाथ से बजाई जाती है, कमर से नहीं। तुम्हारे हाथ ठीक है, कमर टूटी हुई है। वो इंतहाई खबीस आदमी हो तुम, जरा सा हाथ नहीं हिला सकते। काम किया करो, काम पड़े पड़े बहुत हड हराम हो गए हो, खपची बांधो कमर में और खड़े हो जाओ काम करने के लिए। अरे जा जा काम करो। तुम आते ही जी मत कहा करो, तुम कहा करो क्या हुक्म है मेरे आका। क्यों? तुम पे अच्छा लगेगा। अरे तुम नजूमी कब से हो गई? मुझे प्यास लग रही थी, तुम खुद ही पानी लेके आ गए। मैं आप ही के पास आ रही थी, आपकी दवा का वक्त हो चुका है। अरे दवा तो हम बाद में खा देंगे, लेकिन पहले इसे यहाँ से निकालो। जब ये हमारा जरा सा काम नहीं कर सकता तो यहाँ क्यों पड़ा है ये? मैं क्यों करें तुम्हारा काम? हमें क्या तुम्हारा मुलाजिम रखा गया है यहाँ पर? अरे मैंने तो सिर्फ इससे घंटी बजाने को कहा था, ये भी कोई काम है? काम नहीं है तो खुद कर लिया करो, एक घंटी तुम्हारे बिस्तर पे भी लगी हुई है। कर लेंगे खुद, दफा जा तुम। और याद रखना, तुमने अगर कभी मुझे कहा ना घंटी बजाने को, हरगिज नहीं बजाऊंगा मैं। अरे हमें जरूरत नहीं है तुमसे घंटी बजवाने की, हमें घंटी बजानी होगी हम खुद घंटी बजा लेंगे, हमारे हाथ सलामत है। और अगर कमर से भी बजानी पड़ी ना तो हम कमर से भी बजा सकते हैं, क्योंकि हमारी कमर बिल्कुल ठीक है। अरे हम लानत भेजते हैं इस कमर पे, अल्लाह करे बाकी की कमर भी टूट जाए, ना ये होगी ना तुम ताने दोगे। इसको है ना ड्रिप में जहर डाल के पिलाएं, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। किस बात पर इतना मुस्कुरा रही हो? सर सिकंदर साहब को दवाई खिला के आई हूँ। तो तुम हर किसी को दवा खिला के इतनी खुश होती हो? नहीं सर, असल में उन दोनों की नोकझोंक सुन के बड़ी हंसी आती है। इम्तियाज साहब बड़े अच्छे आदमी हैं, बहुत दिलचस्प बातें करते हैं। इनकी बातों की वजह से ही सिकंदर साहब की ज़िंदगी में मायूसी कुछ कम हुई है। आप ठीक कह रहे हैं सर, पहले जितने वो मायूस थे और दिल बर्दाश्ता नज़र आते थे, अब नहीं। लेकिन एक बात है सर कि इम्तियाज साहब तो उन्हें उल्टा जलाते रहते हैं। देखो उनकी बातों में उलझे रहने की वजह से सिकंदर साहब के जहन में मनफी सोच को जगह नहीं मिल रही, इसीलिए उनकी रिकवरी की स्पीड थोड़ी तेज़ हुई है। लेकिन मुझे लगता है उनका एक ऑपरेशन और करना पड़ेगा। सर कब होगा ऑपरेशन? इसके बारे में तो कुछ कहा नहीं जा सकता, सिकंदर साहब से इस बारे में कुछ जिक्र मत करना। नहीं सर, लेकिन ऑपरेशन के बाद वो चलने के काबिल तो हो जाएंगे ना? अभी कुछ कहना मुश्किल है। देखो उन्हें खुद भी कुछ कोशिश करना होगी, इस तरह का मरीज़ अगर खुद सेहतियाब ना होना चाहे तो उसकी रिकवरी के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। दवा और फिजियोथेरेपी चलती रहे, बाकी अल्लाह मालिक है। अल्लाह उन्हें ज़रूर बेहतर करेगा सर। कितना कमीना है ये इम्तियाज अहमद, बद अखलाक और बद तहजीब आदमी, हर वक्त हमें माजूरी के ताने देता रहता है, हमें जलाने का कोई मौका हाथ से नहीं जाने देता। कैसे रोजाना मजे से बाहर चला जाता है और किस तरह बाहर के किस्से सुना सुना के हमें जलाता है। एक हम हैं कितने मजबूर और बेबस हो गए हैं, बिस्तर से हिल भी नहीं सकते। हाय हाय कितने बदनसीब हैं हम और कितना खुश नसीब है वो।
मजा आ गया। आए आए, आज तो हमने बच्चों के साथ फुटबॉल खेली। क्या खेली? फुटबॉल। जवानी में बचपने का मजा आ गया, बचपने की यादें ताजा हो गई। हाय हाय हाय, फुटबॉल खेल। जोर से तो नहीं लगी क्या? बच्चों की लातें। अरे कैसा मजा आ रहा होगा, एक बच्चा इधर से लात मार रहा होगा, एक बच्चा इधर से लात मार रहा होगा, और बुढ़ा बीच में लुढ़कता फिर रहा होगा। बकवास बंद करो, हम फुटबॉल नहीं थे, बच्चों के आड़ी थे। आड़ी? अबे सारी जिंदगी तो किसी के आड़ी बन नहीं सके, अब बुढ़ापे में क्या आड़ी बनोगे? आड़ू? तपो मत, तपो मत, हम किसी भी उम्र में बेटा आड़ी बन सकते हैं। मुकम्मल फिट हैं, सारी हड्डियां सलामत हैं बुड्ढे। अबे इस उम्र में तुम सिर्फ आड़े बन सकते हो, आड़ी नहीं। आड़े तिरछे तो वो हो जाते हैं जिनकी कमर की हड्डी टूट जाती है, वो पड़े रहते हैं बिस्तर पे आड़े तिरछे, आड़े तिरछे। हर बात को घुमा फिरा के मेरी कमर तक ले आते हो, कमजोर इंसान। इसीलिए कहते हैं बेटा कमर मजबूत होनी चाहिए। देखो कमर मजबूत होती है ना तो आदमी फुटबॉल भी खेल सकता है। अब देखो ना कैसा मजा आ रहा था, इधर से हम किक मार रहे थे और उधर से गुड्डू किक मार रहा था। वो इसका पतला पतला फीका वाला दलिया ले आओ, बेचारे को भूख लग रही होगी। अरे नहीं, हमें कोई भूख नहीं लगी हुई, और तुम्हें हमारी इतनी फिक्र कैसे हो गई? तुम्हारा ख्याल हम नहीं रखेंगे तो कौन रखेगा, आखिर को तुम हमारे बुजुर्ग हो। जाओ मैं जल्दी ले आओ। अरे कोई जरूरत नहीं, हमें भूख होगी तो हम खुद मंगा लेंगे। ये तकल्लुफ कर रहा है, तुम ले आओ। अरे अरे हम कोई मेहमान आए हैं तुम्हारे घर में जो तकल्लुफ करेंगे? तो खा क्यों नहीं लेते? जहर खा देंगे हम। शुक्रिया, जाओ मैं जभी जहर ले आओ। हाँ हाँ ले आओ, अरे दलिये से तो अच्छा होगा। अरे जब मैं जभी अपने हाथों से खिलाएगी ना तो अच्छा ही लगेगा। तो तुम खा लो मैं जभी के हाथ से। जाओ मैं जभी ले आओ इसके लिए जहर, दलिये में मिला के खिला दो इसको। दलिये में मिला के क्यों? अरे जहर खाना क्या मुश्किल है, दलिया खाओगे तो पता चलेगा। लो हम क्यों खाएं, ये तो बेचारे कमर टूटो का खाना है। जब हमने घंटी बजाने को कहा था तो उस वक्त हाथ टूट गए थे तुम्हारे, अब खुद घंटी बजा के हमें दलिया ठुसवाने के चक्कर में हो। एक तो हम तुम्हारा ख्याल कर रहे हैं, ऊपर से गलम गलोच पे उतर आए। तुम्हें जरूरत नहीं हमारा ख्याल करने की, बस आज तुम्हारा ख्याल करने के लिए महजबीन जो है। क्या मैं जाऊं? हाँ हाँ जाओ, लेकिन वो चाय वाला अगर नजर आए तो उससे चाय का कह देना, बड़ी देर से चाय पीने को दिल कर रहा है। मैं भिजवाती हूँ अभी चाय वाले को। और उसे कह देना चाय में 4 चमचे जहर मिला के ना आए। जी अच्छा। Thank you.
क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, देखने की कोशिश कर रहे हैं कि छत पे ऐसा क्या है जिसको देख देख के तुम मुस्कुरा रहे हो। ये तुम ताक झांक से बाज नहीं आओगे? अभी तो सिर्फ झांक रहे हैं, जब वो नजर आएगी तो ताक भी लेंगे। कौन नजर आएगी? अरे भाई, तुम्हारे ख्वाबों वाली हसीना। देखो, तुम खामखा मेरे मामलात में घुसने की कोशिश मत करो। हम तुम्हारे मामलात में घुसने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, हम तो तुम्हारे ख्यालात में घुसने की कोशिश कर रहे हैं। भाई क्यों घुसने की कोशिश कर रहे थे तुम? हम अपने ख्यालात तुम्हारे अब्बा से उधार लेके आए क्या? हमारे अब्बा के इतने बेहुदा ख्यालात नहीं थे, मुस्कुराने वाले। अरे जिसकी औलाद तुम जैसी हो ना, उसे मुस्कुराना जेब नहीं देता। और जिसकी कमर की हड्डी टूटी हुई हो, उससे तो बात करना भी जेब नहीं देता। ये तुम्हारी हर तान मेरी कमर पे आके क्यों टूटती है? हमारी तो सिर्फ तान टूटती है, तुम्हारी तो कमर टूटी हुई है। जहन्नुम में जाओ तुम और तुम्हारी तान। आइंदा हमारे मामलात में टांग नहीं आ रहा ना। नहीं अड़ाएंगे? बता दो किसको सोच के मुस्कुराते हो? तो क्या हम अपने बेटे और बहुओं को भी याद करके नहीं मुस्कुरा सकते? बकवास बंद करो, तुम हमें बता चुके हो अपने बेटों और बहुओं का सुलूक, उनके ख्यालात तुम्हें जब आएंगे तो तुम मुस्कुरा नहीं सकते। अपने पोते पे तो मुस्कुरा सकते हैं, वो तो हमसे बड़ी मोहब्बत करता है। मुस्कुराहट में बेशर्मी थी, ये पोते वाली तो नहीं हो सकती। आग लगे तुझे जासूस बुड्ढे, हसद में जल के ही मरेगा तू तो। वैसे सुनो, इस बीमारी में चीखना नहीं चाहिए, क्योंकि आवाज भी तीसरे मोहरे के दाएं कोने से निकलती है, समझे मनुष्य बुड्ढे। अरे तो फिर क्यों रखा हुआ इसको यहाँ पे? निकालो यहाँ से, मुफ्त की रोटियाँ तोड़ रहा है ये। तुम भी तो यहाँ पर रोजाना मुफ्त का दलिया तोड़ते रहते हो, क्योंकि रोटी तोड़ने के लिए कमर से ताकत लगानी पड़ती है, कमर से। देखा देखा डॉक्टर, इस कमबख्त ने मेरी कमर को चिड़ बना दिया है। अरे खुदा के लिए इसको इसके कमरे में शिफ्ट कर दो बस। जरूर कर देता, लेकिन अब इनका कमरा खाली नहीं है, वहाँ दूसरा मरीज आ चुका है। अरे तो फिर किसी दूसरे कमरे में कर दो, क्या अस्पताल में कोई और कमरा खाली नहीं है? मेरे ख्याल में हॉस्पिटल में इस वक्त कोई कमरा खाली नहीं है। क्यों महाजमी? यस सर, सारे कमरे एंगेज हैं, बल्कि ओपीडी में कुछ मरीज तो कमरा खाली होने का इंतजार कर रहे हैं। मगर आप फिक्र मत करें, जैसे ही कोई कमरा खाली होगा मैं सबसे पहले। तुम्हारा कमरा खाली होने से पहले मेरा भेजा खाली हो जाएगा। रोज थोड़ा थोड़ा खा जाता है ये आदमखोर। आदमखोर तो सिर्फ इब्ने आदम का भेजा खाने के लिए पैदा हुआ है, मगर तुम्हें खाने के लिए कुछ और खोर बनना पड़ेगा, मसलन हराम खोर। अरे डॉक्टर, कहीं शिफ्ट कर दो इसको, किसी बरामदे में, किसी बाथरूम में, कहीं भी शिफ्ट कर दो, पर यहाँ से ले जाओ इस आदाब को। बाथरूम तो तुम्हारे लिए मुनासिब रहेगा, उठकर बैठने की हसरत भी पूरी कर सकते हो। बाथरूम में बिस्तर लगा लेना और कमोड से टेक लगाए बैठे रहना आराम से। अरे सुन रहा हूँ ना डॉक्टर, किस कदर अजियत में है हम इसके साथ यहाँ रह के। अरे मेरा ही कमरा कहीं शिफ्ट करा दो, मुझे किसी बरामदे में लिटा दो।
आप बिल्कुल बेफिक्र रहें, जैसे ही कोई कमरा खाली होगा मैं सबसे पहले इन्हें वहां शिफ्ट करवा दूंगा। क्या हो गया भाई, आज खिलाफे मामूल बड़े खामोश बैठे हो, कहीं खुदा ना खास्ता कुछ सोच तो नहीं रहे? सोच रहे हैं कि अब हम शादी कर लें। हाँ क्या, इस उम्र में शादी करोगे? हाँ तो क्या करें, दिल ही अब आ रहा है। दिल आ रहा है? हाँ भाई वाह, किस पे आ रहा है? अबे पार्क में बहुत सारी हसीनाएं होती हैं, किसी पे भी आ सकता है। दिमाग खराब है तुम्हारा, डॉक्टरों के मुताबिक तुम्हारे दिल के दो वाल्व बंद हैं। अबे तुम्हारा दिल आने रहा जा रहा है। अबे चलो, हमारे दिल की मर्जी और हमारे दिल का कोई पता नहीं, जाते जाते भी आ सकता है। अरे क्या करेगी हसीना एक वाल्व के दिल को, वाल्व खोल देगी। हसीना ना हुई, पिलंबर हो गई। अड्डा करे कोई हसीना तुम्हारा सर खोल दे अपने सैंडल से। तुम्हारे टूटी हुई कमर के पीछे भी यही कहानी लगती है। छिलका तो बेचारा केले का बिला वजह बदनाम हो रहा है। अरे अल्लाह करे कि तुम भी किसी दिन केले के छिलके से पिसलो और तुम्हारी कमर जाके लगे सीधी किसी लोहे की ईंट पे। तुम हमारे गिरने से पहले हमारी कमर के नीचे लोहे की ईंट रख देना। एक बात याद रखो, केले का छिलका भी आदमी देख के नीचे आता है। क्या मतलब? अरे जो शरीफ उन नफ्स लोग होते हैं उनके पैर के नीचे केले का छिलका नहीं आता। जो बुढ़े ताक झाक करते हुए चलते हैं ना, तो फिर लपक के उनके पैर के नीचे आके लेट जाता है। कौन लेट जाता? केले का छिलका और कौन। खुदा खारत करे हमें। अरे सदियों में कहीं जाके एक दफा बुढ़ा खामोश हुआ था, हमने खुद ही जहादत का मुजाहिरा कर दिया। शाबाश इम्तियाज अहमद। ये 5 बजे रोजाना तुम ऐसे तैयार होके जाते हो जैसे किसी बर दिखावे के लिए जा रहे हो। देखो ये कौन आ रहा है, बुढ़ा जला जा रहा है, टूटी है हड्डी रू रू रू, सर के है मोहरे रू रू रू, देखो जमा आ रहा है, देखो जमा जा रहा है, देखो जमा जा रहा है। खुदा की कसम, बस एक बार मेरी रीढ़ की हड्डी के मोहरे ठीक हो जाएं, इम्तियाज अली मैं तेरी बोटियां नोच के चील कब्बों को खिला दूंगा। टूटी है हड्डी रू 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 आरू। वो मेरा माँ जबी और मेरे हाथ में हाथ बल्कि मुंह में चम्मच, हड्डी की चोट में बाजू का सहारा देकर हर चम्मच पर रुखे रंगी का नजारा दे। चम्मच देना। अरे अरे ये क्या किया आपने, अब मैं आपको सूप कैसे पिलाऊंगी? अरे ये प्याला दे जाओ, उसके मुंह पे उठेल दो जाके सूप सारा। अरे वाह हम जल जाएंगे। और तुम भी तो सारा दिन हमें जलाते रहते हो, तुम भी तो जलो। हम तुम्हें सूप से नहीं जलाते, हम तो। मैं दूसरा चमचा लाती हूँ, आपको सारा सूप खत्म करना पड़ेगा। चमचे के बजाय स्ट्रॉ लेके आना, हम उसमें भर भर के सूप इसके मुंह पे फूके मारेंगे। फूक मारने के लिए भी कमर से ताकत। हम सूप का प्याला खींच के मार देंगे तुम्हारे मुंह पे, अगर कमर का नाम भी लिया तो। आप आराम से लेटिए, मैं दूसरा चमचा लेकर आती हूँ, आपको सूप पिलाती हूँ। इन्हें कहने दीजिए प्लीज, मैं ला रही हूँ।
मुझसे शर्माए, कैसे मुझे तड़पाए, प्यार भरे दो शर्मीले सिकंदर, सिकंदर, सिकंदर। आए, अबे ये क्या हरकत है? ये हरकत नहीं है, जासूसी है। ये बताओ, तुम ये ख्यालों में किसको सोच सोच के मुस्कुरा रहे थे? बता दो, दोस्तों को बता देना चाहिए। अबे तुम कहाँ के दोस्त हो, दुश्मन कहीं के? अरे एक दफा समझ के तो देखो, बता दो, शायद तुम्हारे किसी काम आ जाएं। अबे तुम काम नहीं आओगे, मजाक उड़ाओगे उल्टा। चलो वादा करते हैं तुमसे कि मजाक नहीं उड़ाएंगे, अब बता दो। अबे तुम्हारी बात का एतबार नहीं भाई मुझे, ना। बता दो, इतनी मिन्नतें क्यों करवा रहे हो? वादा कर रहे हैं कुछ नहीं बोलेंगे, बता दो। बहुत बेचैन हो रहे हैं हम। असल में बात कुछ यूं है कि जब हम ठीक थे ना इम्तियाज अहमद, तो हम एक पार्क में जॉगिंग के लिए जाया करते थे तुम्हारी तरह। अच्छा, वहां हमें एक लड़की मिला करती थी जो हमें रोजाना बड़ी दिलचस्पी से देखती थी। अच्छा, टिकट कितना था? किस चीज पे? तुम्हें देखने का। देखा ना, तुम अपनी बकवास से आ गए ना फिर दोबारा। हमने पहले कहा जा, हमने बताया। अरे बता दो बता दो, अब नहीं बीच में बोलेंगे, जबान स्लिप हो गई थी। बता दो। बस वो हमें रोज मिलने लगी थी। अच्छा, तो वो रोज तुम्हारे लिए आती थी? नहीं, इसका तो पता नहीं, लेकिन मैं रोज बिला नागा उससे देखने के लिए वहां जाता था। अच्छा, इश्क करने लगे थे? अरे इश्क विश्क क्या, बस घर की घुटन वाली फजा से जरा तंग थे। उसने मुस्कुरा के देखा, अच्छा लगा। अच्छा सुनो, कभी उसने बात की? नहीं, उसने कभी बात नहीं की, बस सिर्फ मुस्कुराया करती थी। तो तुम कर लेते? दिल तो बहुत चाहता था लेकिन हिम्मत नहीं हुई। कम हिम्मत बुड्ढे, जब तुम्हें बात करने की हिम्मत नहीं हुई उससे, तो फिर उसको ख्यालात में सोच सोच के मुस्कुराते क्यों हो? तुम्हें पहले भी मैंने कई दफा समझाया था कि ये इश्क करना तुम जैसे बुड्ढों का काम नहीं है, ये हम जैसे जवानों का काम है। अबे जब साबित कमर में इश्क नहीं कर सके, तो इस टूटी हुई कमर के साथ क्या खाक इश्क करोगे? अबे मनहूस बुड्ढे, इसीलिए मैं तुझे अपनी मोहब्बत की कहानी नहीं सुना रहा था, इसीलिए। अबे चुप। अस्सलामु अलैकुम सिकंदर साहब, कैसे हैं आप? अरे हर वक्त यही पूछते रहते हो कैसी तबीयत है। अरे इसको निकालो फिर पूछना कैसी तबीयत है आपकी। आप कैसे हैं? अरे डॉक्टर अल्लाह का शुक्र है, हम तो बिल्कुल ठीक हैं, हमारी कमर उमर सब ठीक है। अरे कमर की छोड़, दिल की सुना, आधे दिल वादे। वैसे डॉक्टर एक बात समझ लिया, ये दो दौरों के बाद दिल के तीसरे दौरे में इतना गैप क्यों आ गया? क्या मतलब? मतलब ये कि दिल के दो दौरे तो इसको पता नहीं कब के पड़ चुके, तीसरा दौरा होता है जानलेवा, वो दौरा पता नहीं कब पड़ेगा इसको, पता नहीं क्यों इतना लेट हो गया। ये क्या कह रहे हैं आप? अरे डॉक्टर साहब कहने दें कहने दें, इसके कहने से कोई दौरा थोड़ी पड़ जाएगा। और वैसे भी हसीनों के दिलों के दौरे तो हम रोजाना पार्क में जाके कर लेते हैं।
मैं समझा नहीं। अरे जाने दे डॉक्टर, ये नौजवानों की बातें हैं, नौजवानों की। इस कमर टूटे की तरह थोड़ी हूँ मैं। ओके, आप दिलों के दौरे करें, मैं जरा अस्पताल का दौरा कर लूँ। वैसे डॉक्टर, इस बात पे जरा गौर करना क्या भाई, ये तीसरा दौरा इतना लेट क्यों हो गया, जानलेवा दौरा। दिल लगी में इस दिल की लगी के दिल खो गया, किसी का दीवाना ये दिल हो गया है, ये दिल हो गया। क्या बात है, आज बड़े खुश नजर आ रहे हैं। हाँ तो क्यों खुश ना हो, आज हमारे दिल की मुराद भर आई है। भाई हम तो जिंदा पड़े अभी। अरे तुम्हारे मरने से अब मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है, आज उसने हमसे बात की है। किसने? वही हसीना जो हमें पार्क में रोजाना मिलती है। अच्छा तो तुम्हें भी कोई हसीना मिलती है? अबे बुड्ढे बताया तो था, ये वही हसीना है जिससे माँ बदौलत शादी करना चाहते हैं। अच्छा वो रोज हमें मुस्कुरा के देखा करती थी। नजर कमजोर होगी बेचारी की। नजर कमजोर होगी तुम्हारी वाली की, हो सकता है तुम्हारी शक्ल उसके मरूम बाप से मिलती हो। अच्छा अच्छा बकवास नहीं करो, ये बताओ कि उसने क्या कहा तुमसे? आज पहली दफा सिकंदर अली वो हमारे पास आई और आके कहने लगी, इम्तियाज अहमद मैं कल तुम्हें एक चीज दूंगी। लानत, लानत की बात कर रही होगी। अबे चुप बुड्ढे, लानत जो है फौरन दी जाती, अगर लानत उसने देनी थी तो वो आज ही हमें लानत दे देती ऐसे। अबे तो फिर क्या देगी ये तो उसने बताया नहीं, मगर यकीनन कोई प्यार भरा तोहफा होगा। सुनो मनुज बुड्ढे, जल के खाक मत हो जाना। अबे हम क्यों जलेंगे, हमारी तरफ से 50 हसीनाओं से तोहफे लो, दिल फेंक बुड्ढे। वैसे अब तुम्हारा दिल देने वाला रहा भी नहीं, फेंकने वाला हो गया, दो दौरों वाला दिल। दिल लगी मैं जैसी दिल की लगी के दिल खो गया, किसी का दीवाना ये दिल हो गया, और ये दिल हो गया, ये दिल हो गया। हाय मेरी कमरा। सिकंदर साहब। अरे तुमने अभी बुड्ढे को बाहर जाते हुए देखा? कौन, इम्तियाज साहब? हाँ तो बाहर निकले, भाग के जाओ जरा, उसके पैर के नीचे केले का छिलका रख के आ जाओ। जी भाई केला देखा है ना, केले के पैसे मुझसे ले लेना, बोनस में केला खुद खा लेना और छिलका बिल्कुल उसके पैर के नीचे टिका देना। क्यों? ये आप क्या कह रहे हैं, मैं ऐसा नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? अरे जिंदगी में कभी कोई नेकी का काम किया या नहीं किया? उन्हें गिराना नेकी है क्या? तो और क्या, अरे इतने खबीस बुड्ढे को गिराना तो दुनिया की सबसे बड़ी नेकी है। लेकिन छोड़ो, अब क्या फायदा, अब तो वो दूर चला गया होगा। तुमने आज जिंदगी में नेकी कमाने का एक मौका जाया कर दिया है। मुझे नहीं कमानी ऐसी नेकी। हाय हाय हाय, कितना अच्छा होता, तोहफा लेने गया था, कमर तोड़वा के वापस आता। किससे तोहफा लेने गए वो? अरे किसी से भी लेने गया हो, उसे आज एक तोहफा तो मिल रहा है ना, हमें तो जिंदगी में किसी ने एक तोहफा नहीं दिया। इसमें क्या मसला है, मैं दे देती हूँ आपको तोहफा। अरे तुम तो रोज ही देती हो मुझे दलिये का तोहफा, जाओ मुझे नहीं चाहिए, जाओ। सिकंदर साहब। सिकंदर साहब। हाय हाय हाय, क्या खुशबू है, एक तो फूल
ऊपर से हसीना के हाथ, यकीन जानो फूल की खुशबू दोबाला हो गई है। क्या उसने तुम्हें फूल दे दिया? क्यों, जल गए ना? अरे जले वाले नहीं है, हैरत हो रही है कि एक हसीना एक बुढ़े को फूल क्यों देगी। इसी बात पे तो हमें हैरत हो रही है कि एक हसीना ने खड़ूस बुढ़े को फूल क्यों दिए। क्या मतलब? अरे ये फूल उसने तेरे लिए भेजा है। अरे नहीं नहीं, मुझे वो क्या जाने, राजा ऐसे बकवास कर। यकीन करो, जिंदगी में पहली दफा सच बोला है मैंने, ये फूल उस हसीना ने तुमको भेजे। यह हमारी बेबसी का मजाक उड़ाने का नया तरीका इजाद किया तुमने। अबे मुझे तुम्हारा मजाक उड़ाने की जरूरत नहीं है, मुझे वो बाहर मिली, कहने लगी वो जो आपके साथ कमरे में सिकंदर साहब हैं उनको ये फूल दे दीजिएगा। मगर वो हमें फूल क्यों देगी, कौन है वो? नहीं नहीं, झूठ बोल रहा तुम, झूठ। हम क्या तुम्हें पागल लगते हैं? वो हमें फूल दे और हम लाके तुम्हें दे देंगे। मगर उसे हम में ऐसी क्या दिलचस्पी है? अबे हमें क्या पता उसे तुमसे क्या दिलचस्पी है, हम तो समझे कि वो फूल हमें पेश करने आई है, बाद में पता चला वो तो इंतहाई बदजौक निकली। वो हमें कैसे जानती है, कौन है, क्या नाम है उसका? अरे हम कोई तुम्हारे मुलाजिम है क्या कि जो तुम्हारे बारे में उससे इतनी सारी बातें करते? एक तो हमारे तन बदन में वैसी आग लगी हुई है, शुक्र करो कि रास्ते में कोई गटर नहीं मिला, वरना ये फूल मैं गटर में फेंक देता। कौन हो सकती है? इम्तियाज, इम्तियाज। क्या है, क्यों आधी रात को चिल्ला रहे हो? नहीं नहीं, मैं तो सिर्फ ये पूछ रहा था कि शाम को तुम चहलकदमी के लिए जाओगे ना? जाहिल बुड्ढे, ये पूछने के लिए मुझे आधी रात नींद में से उठाया? हम ये पूछ रहे थे कि कल शाम को तुम पार्क में तो जाओगे ही ना? नहीं जाऊंगा। अरे रोज तो जाते हो चहलकदमी के लिए, अब हमारा काम है तो जाने से इनकार कर रहा हूँ। काम बताओ, काम काम की नौयत सुन के फैसला करेंगे। वो लड़की अगर दोबारा मिले ना तो उससे पूछ लेना कि वो कौन है और उसने मुझे फूल क्यों भेजा है। अच्छा ये काम था तुमको, तय हो गया कि अब एक हफ्ते नहीं जाऊंगा। ओ भाई, डॉक्टर ने तुम्हें रोजाना टहलने का मशवरा दिया है, तुम्हारी सेहत के लिए बहुत जरूरी है। अब हमारा टहलना तुम्हारी सेहत के लिए जरूरी हो गया, इसलिए अब हम नहीं जाएंगे। अरे जा, दफा हो जा, हमें जरूरत भी नहीं है तुम्हारी मिन्नतें करने की। अब तो हम जरूर जाएंगे, लेकिन एक बात याद रखना मनुष, उस लड़की की तरफ हम देखेंगे भी नहीं और ना ही उससे बात करेंगे। मुझे उसने क्या समझा हुआ है, ये क्या समझा हुआ है मुझे? अरे वो फिर आई थी आज। हाँ ये लो मरो। आज फिर फूल देगी? क्या कह रही थी? पागल है पागल, कह रही थी कि मैं सिकंदर साहब को रोजाना फूल भेजूंगी। अरे तो रोजाना फूल भेजेगी तो क्या खुद मिलने नहीं आएगी मुझे? कहा ना तुमको, पागल है वो पागल, वो यहां तुमसे मिलने नहीं आएगी। मगर क्यों, जब वो हमें फूल भेज रही है तो हमें मिलना क्यों नहीं चाहती? वो तुमसे मिलना चाहती है, मगर यहाँ नहीं, पार्क में। पार्क में? लेकिन हम पार्क में कैसे मिल सकते हैं, हम तो कमर टूटे हो, ये बात उसको पता है, मगर अजीब पागल है, कह रही थी कि जब तक खुद ठीक होके पार्क में मिलने नहीं आएंगे मैं रोजाना फूल भेजती रहूंगी। यार वो ऐसा क्यों कर रही है, फूल भेजती है लेकिन खुद मिलने नहीं आ सकती, कौन है, क्या नाम है उसका? सना बता रही थी, मैंने ज्यादा बात नहीं की और मैं ऐसी किसी बदजौक लड़की से बात करना भी नहीं चाहता।
यार इम्तियाज अहमद, तुम रोज उससे फूल तो ले आओगे ना? ठीक है, ला देंगे, मगर एक शर्त पर। हाँ हाँ बताओ क्या? वो ये कि फूल हम खुद रखेंगे। ये क्या बात हुई यार, फूल तो वो हमारे लिए देगी ना? हाँ तो फिर जाओ, जाके खुद ले लो। यार तुम तो रोज ही जाओगे, क्या हो जाएगा अगर एक फूल हमारे वाला भी उससे ले आओगे? अबे हमें ऐसी बेजोड़ मोहब्बत का पैगंबर बनने की कोई जरूरत नहीं है। कहाँ वो खूबसूरत लड़की और कहाँ कमर टूटा हुआ ये बुड्ढा। हमने तो उसको बड़ा समझाया कि हमसे इश्क कर लो, चेहरे मोहरे से भी जवान लगते हैं, वो तो शक्ल से भी बुड्ढा है और मोहरे से भी। अबे एक्सप्रेशन मत दो, ला देंगे तुम्हारी हसीना के फूल। सना कौन हो सकती है ये? अरे कहीं ये वही तो नहीं? अस्सलामु अलैकुम। सिकंदर साहब, आपका मसला हल हो गया है, एक कमरा खाली हो गया है, आज शाम को ही हम इम्तियाज साहब को वहाँ पर शिफ्ट कर देंगे। अरे नहीं नहीं डॉक्टर साहब, अब तो इसे यहीं रहने दें। क्यों, आप तो कब से उन्हें यहाँ से शिफ्ट करने का कह रहे थे? नहीं नहीं, वो तो जब कह रहे थे ना, अब तो दिल लग गया हमारा। मगर हमारा दिल नहीं लगा डॉक्टर, हमें फौरन उस कमरे में शिफ्ट करवाइए। अरे क्या कह रहे हो, रुक जाओ ना यहीं पे, हम तुम्हें कौन सी तकलीफ दे रहे हैं? तुम जैसे बुड्ढे के साथ रहना बजाते खुद एक बहुत बड़ी तकलीफ है। अबे तुम्हें इस तरह से पड़े देख देख कर हम भी अपने आप को माजूर महसूस करने लगे। ये दो दिन से फूल कौन ला रहा है आपके लिए? अरे हमारे अलावा और कौन ला सकता है, हम लेके आते हैं, ये कहाँ से जाएगा कमर टूटा। आप सिकंदर साहब के लिए फूल लाते हैं? माफ कीजिएगा, हम कोई पागल नहीं है, वो तो बाग में हमें नहीं, वो हमारे मेहरबान हैं, हमारे लिए फूल भेज देते हैं। अच्छा अच्छा, ये तो अच्छी बात है। फिर इम्तियाज साहब क्या फैसला किया आपने, यहाँ रह रहे हैं या शिफ्ट कर रहे हैं? अरे रह लेते हैं कुछ दिन इन बुड्ढों के साथ, असल में इनका जो दिल है ना वो नौजवानों के ही साथ लगता है। ओके ओके, आप दोनों एक दूसरे से दिल लगाएं, हम चलते हैं। ठीक है डॉक्टर, एक बात याद रखना, मेरा कमरा खाली रखना, जिस दिन इसने कोई बदतमीजी की मैं वहीं शिफ्ट हो जाऊंगा। सो जाओ। नहीं मैं एक बात सोच रहा था कि वो देखने में कैसी लगती है। कौन? वही पार्क वाली लड़की। अरे चुड़ैल है चुड़ैल, ये बड़े बड़े दांत, फटे हुए दीदे और मुंह से लंबे कान। जब हम तुम्हें बता चुके थे कि हम उसे पसंद करते हैं और उससे शादी करना चाहते हैं, तो फिर क्या वो चुड़ैल होगी? अरे बड़ी खूबसूरत लड़की है, बहुत खूबसूरत। नहीं मैं तो किसी और वजह से पूछ रहा था। तुम कहीं इस लड़की को उससे तो नहीं मिला रहे हो जो तुम्हें पार्क में मिला करती थी? अरे क्या पता वही हो। मगर वो तो गूंगी थी, ये तो बोलती है। अरे तुमसे किसने कह दिया वो गूंगी थी? अरे इतनी दफा तुमसे मिली, एक दफा भी तुमसे बात नहीं की। अरे वो तो हया की वजह से नहीं बोलती थी। और ये वाली तो बड़ी बेहया है, रोजाना अपने महबूब से नहीं चटर पटर उसका पयाम लाने वाले से करती है। अबे कभी तो संजीदा हो जाया करो यार। है, है, एक दफा जिससे संजीदा हुए वो कमबख्त एक टूटी हुई कमर वाले बुड्ढे की दीवानी निकली। पूरी जिंदगी गुजर जाएगी कमर की मालिश करते करते, मगर मोहरे फिर भी अपनी जगह पर नहीं आएंगे। बेचारी। अब जाओ। अब क्या बात है, घंटे से पहले चले जा रहे हो, कोई परेशानी है क्या? कोई परेशानी नहीं है मुझे,
कोई परेशानी नहीं है। आज मैं पार्क में टहलने के लिए नहीं जाऊंगा, इसीलिए यहाँ पर टहल रहा हूँ। पार्क जाने का नागा नहीं करना। नागा ना करना? तुम नागे की बात कर रहे हो? हम तो सोच रहे हैं पार्क जाने का ये सिलसिला ही खत्म कर दें। तुम आज चले जाओ और उनको हमारी तरफ से दरख्वास्त कर दो कि सिर्फ एक दिन हमें मिलने के लिए आ जाए। कह चुका हूँ तुम्हारे दिमाग में भूसा भरा है, वो नहीं आएगी, नहीं आएगी वो यहाँ। मगर हाँ, एक तरीका हो सकता है। वो क्या? उसने कुछ दिन पहले हमसे कहा था कि इम्तियाज अहमद साहब, अगर किसी दिन आप पार्क नहीं आए तो ये मत समझिएगा कि मैं फूल भेजने का नागा कर दूंगी, मैं खुद जाऊंगी सिकंदर अली साहब को फूल देने के लिए। अरे तो फिर ऐसा करो, कमरे में टहल लो, बूढ़े हो गए हो, पार्क में जाओगे खामखा थक जाओगे। क्यों नागा करें, हमारी सेहत का मामला है। अरे एक दिन नहीं जाओगे तो क्या हो जाएगा? अरे चलो चलो, मेरी खातिर नागा कर लो, हार्ट पेशेंट हैं, अगर हम जॉगिंग करने नहीं गए खुदा न खास्ता हमें हार्ट अटैक भी हो सकता है। वो तो खैर मैं शुरू से हूँ, लेकिन एक बात बताऊँ, वो जो सिकंदर है ना, बहुत ही खबीस और खड़ूस बुड्ढा है। आज मैं आपके साथ चलूंगी और उन्हें अपने हाथों से फूल दूंगी। अरे वो कमर टूटा बुड्ढा अपनी जगह से हिल भी नहीं सकता, तुम्हारे लिए बहुत बोर करेगा। एक काम करना, जब कभी अगर वो ठीक हो गया तो जाके एक आध दफा जरूर मिल लेना। फिलहाल चलते हैं कहीं ठंडी कॉफी पीते हैं सिकंदर के नाम की। रफ्ता रफ्ता हो मेरी हस्ती का सामान। अगर ऐसा हुआ ना इम्तियाज अहमद, तो ठीक होने के बाद मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। हाँ हाय हाय, ये लो। अरे आ गए तुम, मेरा पैगाम दिया था। इस उम्र में पैगाम देते हुए तुम्हें शर्म नहीं आएगी बुड्ढे? दो जवान बेटों के बाप हो और एक पोता भी है। मैंने तुमसे कहा था उसको यहाँ बुलाने के लिए, तुमने बात की? हाँ कहा था उसको, लेकिन वो कह रही है कि मैं तो पार्क में ही मिलूंगी। मगर क्यों? क्योंकि वो एक चलते फिरते आदमी से मिलना चाहती है, कमर टूटे बुड्ढे से नहीं। ना ना वो यहाँ आने के लिए तैयार है, ना तुम एक दिन नागा करने के लिए तैयार हो। मुझसे नागे की बात मत करना समझे सिकंदर अली, मैं तुमको बता रहा हूँ, ये इतना भी कर रहा हूँ तुम्हारे लिए बड़ी बात है। ज्यादा दिमाग खराब किया तो वो कमरे में शिफ्ट हो जाऊंगा जिसमें पहले था, वो खाली पड़ा हुआ है अभी तक। अरे नहीं यार। अरे जाओ।
खीर को तो बैर के बिस्किट खाने में कितना मजा आता है। माशाल्लाह आप तो दिन ब दिन बेहतर होते जा रहे हैं। हाँ डॉक्टर साहब, मैं तो खुद को बड़ा ही हशाश बशाश महसूस कर रहा हूँ, बस जिंदा रहने को दिल चाहने लगा है। आपके हशाश बशाश होने का राज जो है ना वो यही है। देखें, जब तक मरीज के दिल में सेहतमंद होने की ख्वाहिश ना हो ना, मर्ज जान नहीं छोड़ता है। सिकंदर साहब, आपके चेहरे पे रौनक नजर आ रही है, आप चेहरे से बीमारी नहीं लग रहे। कमर से लग रहे हैं। अरे मुझे जिंदगी की तरफ लाने में तुम्हारा बहुत हाथ है माजबीन, तुमने मेरी बड़ी खिदमत की है। मुझसे ज्यादा इसमें इम्तियाज साहब का कमाल है। अरे ये तो हम इस पे तरस खा के उससे फूल ला के इसको देते हैं। अगर हमें ये अंदाजा होता ना कि उन फूलों से ये इतना हशाश बशाश हो जाएगा, मर जाते, ये काम ना करते। वाकई असल काम इन फूलों ने ही किया है। इन फूलों की ताजगी ने आपको भी तरोताजा कर दिया है। अरे फूलों ने तो सिर्फ इनका मुंह तरोताजा किया है, कमर तो वही है टूटी फूटी। हमें मुकम्मल ठीक होने में कितना वक्त लग जाएगा डॉक्टर साहब? 150 साल। सिर्फ 1.5-2 माह? 1.5-2 माह में आप व्हील चेयर इस्तेमाल करने के काबिल हो जाएंगे। अभी 1.5-2 माह और लगेंगे, इतना वक्त? अरे तो खुद जाना स्ट्रेचर पर फूल लेने के लिए, ये 1.5-2 माह तक हमसे खौरी बर्दाश्त नहीं होगी। आप बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे, 1.5-2 माह गुजरने का पता भी नहीं चलेगा। भाई देखो, आज आखिरी दफा उससे कह देना कि बस अब मुझे आके मिल ले। अरे जब वो इतने अरसे मिलने नहीं आई तो अब क्या खाक मिलने आएगी? भाई देखो, उसे बता देना कि मुझे अभी व्हीलचेयर पे आने में 2-3 महीने लगेंगे, तो वो आखिर कब तक इंतजार करेगी? मैंने भी एक दफा कहा था कि बुड्ढे को 2-3 साल लगेंगे ठीक होने में, हम तो ठीक हैं, जरा हमारी तरफ देखो। फिर बेवकूफ कहने लगी 2 साल? मैं तो सिकंदर अली का 10 साल तक इंतजार कर सकती हूँ। तुम्हारे सारे हरबे नाकाम करती रहती है वो, लेकिन फिर भी तुम हमारी काट करने से बाज नहीं आते इम्तियाज़ पर। अरे बकवास बंद करो, हमने कोई काट नहीं की तुम्हारी, बल्कि हमने तो उसको समझाया कि 10 सालों में तो बुड्ढा फूलों से ढक चुका होगा, या तुम्हारे भेजे हुए फूलों से, या फिर अल्लाह माफ करे कब्र के फूलों से। अरे अब हमें किसी चीज की कुछ फिक्र नहीं, कुछ भी कहते रहो, हमें तो अब इस बात की भी फिक्र नहीं है कि हम ठीक भी होंगे या नहीं। इम्तियाज अहमद, हमारे लिए ये एहसास ही बहुत है कि कोई हमसे इतनी मोहब्बत करता है। उसने हमसे कुछ दिन पहले ये कहा था कि इम्तियाज अहमद साहब, अगर किसी दिन आप पार्क नहीं आए तो ये मत समझिएगा कि मैं फूल भेजने का नागा कर दूंगी, मैं खुद जाऊंगी सिकंदर अली साहब को फूल देने के लिए।
अंदर आ जाओ, खुला है दरवाजा, अंदर आ जाओ। हम उठ नहीं सकते। इम्तियाज साहब कहाँ हैं? वो पिछले दो माह से मुझसे एक फूल खरीद रहे हैं। उन्होंने कहा था कि अगर मैं ना आ सकूं तो कमरा नंबर 212 में अंदर मत आना, दरवाज़ा खटखटा दा, मैं खुद आके ले लूँगा। कहाँ है वो? एक दफा से देख तो लो, पता नहीं कितना दूर चला गया उसे। तुम लोग उसे कहाँ ले गए? मुझे एक दफा उसका चेहरा तो दिखा दो, मैं एक दफा उसे देखना चाहता हूँ। वो कभी मुझसे बात नहीं करेगा, कभी मुझे तंग नहीं करेगा। मुझे ले चलो उसके उसके पास। ये कैसे हुआ? आप उठ सकते हैं? आप तो ले चलो मुझे। आपको इम्तियाज साहब के पास जाना है, मैं ले चलती हूँ। Thank you.
अफसोस हो रहा है ना कि तीसरा दौरा जानलेवा क्यों नहीं साबित हुआ। अगर ये तीसरा दौरा जानलेवा हो जाता ना तो मैं खुद अपनी जान ले लेता। मुझे शर्मिंदा मत करो, तुमने तो पहले ही मेरे लिए इतना कुछ। ये तो तुम्हें पता चलेगा सिकंदर अली कि हमने तुम्हारे लिए क्या किया। जब वो फूल वाला तुमसे 2 महीने के पैसे लेने आएगा ना तब पता चलेगा हमने वो सब तुम्हारे खाते में लिखवा दिया है। सर आप ये मौजा देख रहे हैं, ये तो हिल भी नहीं सकते थे, लेकिन इम्तियाज साहब से मिलने की ख्वाहिश में ये खुद से उठ के बैठ गए। देख रहा हूँ, और इस मौजज़े का सहरा भी इम्तियाज साहब के ही सर जाता है। अरे कौन सा मौजज़ा, ये अब भी अपनी व्हीलचेयर खुद नहीं चला सकता, कमर टूटा हुआ बुड्ढा। अरे कमर टूटे अब हम नहीं है, तुम हो कमर टूटे। अब तो बैठे हुए हैं व्हीलचेयर पे, तुम जरा उठ के दिखाओ। हाँ उठो उठो। अरे डॉक्टर, जब तक ये उठने के काबिल नहीं हो जाता इसका बिस्तर किसी बाथरूम में लगवा दो। जमीन पे लेटा रहेगा कमोड से टेक लगा। अबे अनफिट बुड्ढे, जरा पार्क में जाके देखो कैसी कैसी हसीनाएं हमारे पीछे चक्कर लगाती हैं। एक्सक्यूज मी, आज आप पार्क नहीं आए तो मैं परेशान हो गई थी अंकल।